न्यूज टुडे नेटवर्क उत्तराखंड का भरोसेमंद डिजिटल न्यूज चैनल। नमस्कार, मैं अनिल उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे नेटवर्क का उत्तराखंड बुलेटिन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। उत्तराखंड रोडवेज ने इस दिवाली चालक और परिचालकों को दिया कमाल का फेस्टिव ऑफर। त्योहारी सीजन में उत्तराखंड रोडवेज ने अपने चालक और परिचालकों के लिए कमाल का ऑफर निकाला है, जिसमें परिवहन निगम की तरफ से नगद राशि पुरस्कार के तौर पर दी जाएगी। ये पुरस्कार केवल उन्हीं चालक और परिचालकों को मिलेगा जो त्योहारी सीजन में बगैर छुट्टी लिए बसों के तय किए गए किलोमीटर को पूरा करेंगे। अक्सर देखा गया है कि दीपावली पर बड़ी संख्या में रोडवेज चालक और परिचालक छुट्टी पर रहते हैं। कई दफा चालक व परिचालक एक एक हफ्ते तक ड्यूटी नहीं कर पाते। ऐसे में रोडवेज ने अपने कर्मियों को ड्यूटी पर लाने और बसों के सुचारू संचालन के लिए प्रोत्साहन राशि देने का फैसला लिया है। प्रोत्साहन राशि की योजना 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक 11 दिन लागू मानी जाएगी। राजधानी देहरादून में 1 से 5 नवंबर तक सजेगी पटाखों की दुकानें। दिवाली नजदीक आते ही आतिशबाजी के शौकीनों की नजर अब बम पटाखों की दुकानों की ओर घूमने लगी है। लेकिन इस बार दिवाली की आतिशबाजी के लिए पटाखों की दुकानें 1 से 5 नवंबर तक ही खुलेंगी। इन दुकानों के लिए 30 अक्टूबर तक लाइसेंस जारी किए जाएंगे। कारोबारियों की सहूलियत के लिए प्रशासन सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए लाइसेंस जारी करेगा। ये बात देहरादून जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने पुलिस प्रशासन अधिकारियों व व्यापारियों के साथ बैठक में कही। जिलाधिकारी ने कहा कि अग्निशमन विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने के बाद ही दुकानों को लाइसेंस जारी किए जाएंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बाल यात्रियों की सुरक्षा के लिए तय किए यातायात नियम। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय MORTH ने बाल यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया है। मंत्रालय ने बच्चों के साथ सफर करने वाले वाहनों की स्पीड भी निर्धारित की है। प्रस्ताव के नियम के अनुसार अगर मोटरसाइकिल पर 4 साल या उससे कम उम्र का बच्चा बैठा है तो उसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वहीं नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान भी रखा गया है। कुमाऊं मंडल आयुक्त सुशील कुमार ने अधिकारियों की ली महत्वपूर्ण बैठक। कुमाऊं आयुक्त सुशील कुमार ने मंगलवार को सिंचाई, सड़क और विद्युत विभागों के अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक ली है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपदा कार्यों में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान उन्होंने आपदा क्षेत्रों में मरम्मत कार्यों के साथ ही स्थायी कार्यों के प्रस्ताव तैयार करने के भी निर्देश दिए। कुमाऊं कमिश्नर सुशील कुमार ने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि युद्ध स्तर पर कार्यों को करते हुए ग्रामीण मार्गों, विद्युत, सिंचाई नहरों को फौरन सुचारू किया जाए। आज जो बैठक ली है वो सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग और विद्युत विभाग की बैठकें की गई हैं, और उसमें सिंचाई विभाग से जो हमारी नहरें बंद हैं उनको संचालित करने के लिए, बाढ़ सुरक्षा के उपाय करने के लिए, और जो जलाशय उधम सिंह नगर में या टनकपुर में या अन्य रामनगर में है उनको किसी प्रकार की हानि ना हो और वो सुचारू ढंग से चले, इस पर बात की है। DRDO ने 116 अप्रेंटिस पदों पर निकाली भर्ती। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने चंडीपुर उड़ीसा के लिए 116 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 नवंबर रखी गई है। इस भर्ती के लिए BE/BTEC इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। वेतनमान 8,000 रुपये प्रतिमाह रहेगा। इस सरकारी नौकरी में पर्सनल इंटरव्यू में प्रदर्शन के अनुसार कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। आवेदन के लिए आवेदक को कोई आवेदन शुल्क नहीं चुकाना होगा। अभी आवेदन के लिए आप स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने विपक्ष पर किया वार। बोले, आपदा संबंधित हर गतिविधि पर है केंद्र की नजर। उत्तराखंड में आई आपदा को लेकर राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि राज्य की आपदा से संबंधित हर गतिविधियों पर केंद्र सरकार की नजर है। आपदा पीड़ितों को राहत पहुंचाने का काम जारी है। पीड़ितों को हर संभव मदद देने की कोशिश की जा रही है। बलूनी ने कहा कि राज्य सरकार की कोशिश है कि जिनके भी घरों का नुकसान हुआ है उनको घरों का पुनर्निर्माण कराया जाए। यही नहीं, आपदा में हुए नुकसान को लेकर सरकार मुआवजा की राशि को बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। अनिल बलूनी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष का काम केवल आरोप लगाना है। भाजपा केवल और केवल आपदा ग्रस्त क्षेत्रों के लोगों को आपदा के दंश से उभरने के लिए हालातों पर कार्य कर रही है। विपक्ष के लोग जो कहें कहते रहें, हमारा काम है जो लोगों के दर्द है उसको कम करना, लोगों के जो पेन को उसको बांटना, ये हम लोगों का काम है।
और जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है उनको किस प्रकार से रिलीफ पहुँचाया जा सकता है, हमारी दोनों भारत सरकार और केंद्र सरकार मिलकर उन लोगों के लिए प्रयास कर रही है। और आपदा में आप लोगों ने 2013 की आपदा में भी सरकार ने कैसा काम किया और आज की आपदा में कैसे काम कर रहा है, ये फ़र्क यहाँ के नागरिक स्वयं से देख पा रहे हैं। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।